प्यार दिया, सपोर्ट दिया, इतना सराहा, मजा आ गया जी। तो उसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। तो चलिए आप बात करते हैं कि दोस्त टॉक का जब वीडियो आया, वहाँ वीडियो आने के बाद जो है कुछ कुछ सवाल उठ रहे हैं। साबुन शैम्पू तक के लाले पड़ गए थे। जिया जो है फेस वॉश में पानी डाल करके रखती थी ताकि मुझे पता नहीं चले कि हमारी ऐसी स्थिति हो चुकी है। तो इस बात को लेकर के बहुतों ने कहा कि आप लोग जो झूठ बोल रहे हैं, सिंपैथी लेने के लिए बोल रहे हैं। हुआ क्या है, किसी एक ने निगेटिव करा, एक पॉइंट साबुन तेल शैम्पू उठा लिया, बस शुरू हो गए। और जब मैंने दूसरा कमेंट देखा कि जी स्ट्रगल जैसा ऐसा कुछ नहीं था आपके वीडियो में, अगला आरोप क्या लगा कि यह जो वीडियो है स्क्रिप्टेड है या पहले से स्क्रिप्ट था, जबरदस्ती का एक मोटिवेशन, जबरदस्ती का एक स्ट्रगल। कह रहे थे कि आपके जो स्टोरी हमने सुना ना, आपका जो वीडियो हमने देखा, उसमें हमें कुछ स्ट्रगल जैसा कुछ नजर ही नहीं आया। फिर हमने देखा कि जो बाकी लोग नेगेटिव कमेंट किए हुए हैं उसमें जा करके उनको जो है वाकर, यहाँ आपने सही बोला सही बोला, मैंने इन लोगों के ऊपर जो है रोस्टिंग वीडियो बनाया हुआ है वो जा करके देखी है। मतलब वो नेगेटिविटी के जरिए अपने चैनल को प्रमोट कर रही थी। मैंने अपने नजर से अपने घर में देखा और मुझे गर्व है अपने दोनों बेटे पर, और दोनों बहुत कितनी खुददार है। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी हमारा फैमिली दोस्त टॉक का वीडियो आ गया। जी हाँ, आप लोग जो है बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से हमें देख रहा था कि कमेंट आ रहे थे। जब से हमने अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम दोस्त टॉक के मंच पर गए हुए हैं, तो आप लोग पूछ रहे थे कि भैया कब आने वाला है दोस्त टॉक पर वीडियो। जिया भाभी दोस्त टॉक पर वीडियो कब आने वाला है, सभी जगह देख रहे थे, पूरा मैसेज भरा हुआ था, इंस्टा फेसबुक यूट्यूब हमारा सब कुछ। तो चलिए जी फाइनली वह दोस्त टॉक का वीडियो आ गया। और जब वह दोस्त टॉक का वीडियो आया, मैं देख रहा हूँ उस पर जो आप लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट दिया, इतना सराहा, मजा आ गया जी। तो उसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से ही हम वहाँ पहुँच पाए। बिल्कुल जी, आप लोग का सपोर्ट नहीं रहता तो उस मंच तक जो है पहुँचना हम जो है सपने में भी सोच नहीं सकते थे। काफी अच्छा लगा जी। तो चलिए आप बात करते हैं कि दोस्त टॉक का जब वीडियो आया, वहाँ वीडियो आने के बाद जो है कुछ कुछ सवाल उठ रहे हैं। मैंने सारा कमेंट भी पढ़ा वहाँ पर, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे शब्द कहे, कई रिश्तेदार के भी फोन आए, पड़ोसी के भी फोन आए, साथ के क्रिएटर के भी फोन आए, उन्होंने शुभकामनाएं दी और उनको काफी अच्छा लगा यह सारी स्टोरी सुनकर के, जो भी हमारी कहानी थी सोशल मीडिया की। लेकिन मैं देख रहा था वहाँ पर जो कुछ व्यूअर थे उनके भी कुछ कमेंट थे, कुछ कुछ जो थे क्या कहे, कुछ थे अलग तरह के लोग, उनके भी कमेंट थे, उसके बारे में डिटेल से आगे बात करते हैं। तो कुछ कुछ सवाल उठे उसमें, तो मैं सोचा कि उन सवालों का जो है जवाब दे देते हैं। लेकिन एक पल के लिए मन में ये भी आया कि छोड़िए इग्नोर करते हैं, क्या ऐसी बातों को जो है तूल देना। लेकिन हमने सोचा कि जो भी वहां से नए सब्सक्राइबर आएंगे इस चैनल पर, शायद आप लोग इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, तो उनके भी मन में कुछ सवाल आ गए होंगे। तो सोचा कि उस सवालों का जो है जवाब देना जरूरी है, ताकि जो हमारे दिल से जुड़े हुए सब्सक्राइबर है, जो भी नए लोग आ रहे हैं, उनको भी जो है सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो एक एक करके सवाल पर आते हैं। सबसे पहला था, हम जो है झूठ बोल रहे हैं, जो साबुन शैम्पू तेल वाली बात चल रही थी वो हमने झूठ बोला है। जी हमने बोला क्या था उसमें, हमारी ऐसी फाइनेंशियल स्थिति थी उस समय, साबुन शैम्पू तक के लाले पड़ गए थे। जिया जो है फेस वॉश में पानी डाल करके रखती थी ताकि मुझे पता नहीं चले कि हमारी ऐसी स्थिति हो चुकी है। तो इस बात को लेकर के बहुतों ने कहा कि आप लोग जो झूठ बोल रहे हैं, सिंपैथी लेने के लिए बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है हम जवाब देंगे आगे। और जब मैंने दूसरा कमेंट देखा कि जी स्ट्रगल जैसा ऐसा कुछ नहीं था आपके वीडियो में, इसके ऊपर भी चलिए बात करेंगे। और तीसरा चीज कहा कि कुछ भी हमें मोटिवेशन नहीं मिला, कुछ भी इंस्पिरेशन नहीं मिला। यहाँ मैं कुछ लोगों ने ऐसी बात कही है, मुझे लगता है कि अगर वहाँ कमेंट 100 कमेंट आए होंगे तो 70 लोगों ने पॉजिटिव किया है, 30 लोगों ने कुछ ऐसे किए हैं, इस तरह का कमेंट किया है। तो मैं उन 30 लोगों के बारे में बातचीत करना चाहूंगा। और उसके बाद जो है अगला आरोप क्या लगा कि यह जो वीडियो है स्क्रिप्टेड है या पहले से स्क्रिप्ट था, जबरदस्ती का एक मोटिवेशन, जबरदस्ती का एक स्ट्रगल। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आया कि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें मोटिवेशन था ही नहीं, कुछ स्ट्रगल था ही नहीं। फिर उसके बाद आरोप भी लगाते हैं कि नहीं, जबरदस्ती का मोटिवेशन और जबरदस्ती का स्ट्रगल डाला गया है। तो भगवान जाने आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपके सवाल का जो है जवाब दे देंगे। और उसके बाद जो है कुछ कुछ जो है टारगेटेड हेट कमेंट करते हैं, उसके बारे में जो है बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ 4-5 पॉइंट है, तो एक एक करके सब पर बात करते हैं। ऐसा करते हैं मोबाइल ले लो, सब पॉइंट हम भूल नहीं दे, बात करते करते होता क्या है मैं भूल जाता हूँ कि किस पॉइंट पर बात करना है। तो इसलिए जो है पॉइंट लिख करके हमने रखा हुआ है। तो सबसे पहली बात थी कि हम झूठ बोल रहे हैं कि हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी कि साबुन शैम्पू तेल इन सब के लाले पड़ जाए। और अगर जब ऐसी स्थिति थी भी तो आपकी सासू माँ जो है गवर्नमेंट जॉब में है, आपके जो ससुर जी है वो एक लॉयर है, जाने माने लॉयर। हाँ, तो ऐसी स्थिति कैसी हो गई घर में। जी आपकी बात सही है, भगवान की दया से माँ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर थी, पापा जो है लॉयर हैं, कटिहार के जाने माने लॉयर हैं, एक अच्छी इमेज है उनकी हमारे शहर में। इन सब के बावजूद कैसे हमारी ऐसी स्थिति हो गई। तो जी बात ये थी, यहाँ स्वाभिमान की, यहाँ दिखावा की बात नहीं थी, यहाँ बात थी आत्मसम्मान की। मेरे माँ बाप ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, आज तक जो भी मैं हूँ इस जिंदगी में उन्हीं की बदौलत हूँ। स्कूल की फीस से लेकर कॉलेज की फीस तक सब कुछ उन्होंने ही देखभाल किया है, और आगे जो भी जरूरत रही है इसके बाद सारा देखभाल उन्होंने ही किया है हमारा। तो दूसरी चीज क्या है कि
हमारी माँ जो थी पहले टीचर थी, है ना, ना है। पहले टीचर थी और ये वैसे स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पे डीएम का बच्चा पढ़ता है, जज का बच्चा पढ़ता है, वो वहाँ पढ़ाते थे ताकि कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा करे। अच्छा करे तो माँ बाप के सहयोग की, तो इसमें समझ सकते हैं कितना पैसा लगता है एक टीचर का, क्या उस टाइम वेतन रहता है। मम्मी का तो बाद में प्रमोशन हुआ, बाद में सैलरी में रेज हुआ, उस समय नॉमिनल सा सैलरी था जिस समय हमें पढ़ा रही थी मम्मी। और उसके बाद जो है वहाँ पर पढ़ाई, फिर यहाँ पर घर सब कुछ बनाया गया, सब कुछ मैनेज करना। तो मम्मी पापा का जो हमारे लिए योगदान है उसके बारे में तो चलिए सवाल की बात ही नहीं है, उस पर तो सवाल उठ ही नहीं सकता है, इतना सब कुछ किया है। हम तो उनके आभारी हैं, शायद इस जिंदगी में भी उन्होंने जो सब चीज किया है हमारे लिए उसका कर्ज नहीं उतार पाएंगे। जी बात ही आत्मसम्मान की, हम नहीं चाहते थे कि जिस माँ बाप ने हमें इतना पढ़ाया लिखाया कष्ट से, तो हम उनको परेशान करें कि हमारा एज जो है अब कमाने वाला हो गया और कमाने वाले एज में हम जो है इस तरह का संघर्ष कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते थे उनको परेशान करना, हमने नहीं बताया। और मुझे गर्व है जिया पर भी कि जिया ने भी कभी भी सासू माँ तक और अपने ससुर जी तक हमारी इस स्थिति को आने नहीं दिया। अगर हमें, मैं कैसे बताऊँ आपको, इतना योगदान है उनका कि अगर मैं जरा सा भी भनक लगने देती ना तो उनको मालूम चल जाता, तो मिनट नहीं लगता सपोर्ट करने में। कई बार हुआ है हमारी जिंदगी में ऐसा कि मतलब मैं बहुत ही बुरे फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहा हूँ, लेकिन उस समय मम्मी को बस मालूम तक चल गया, मैं उस समय भी नहीं बता रहा था मम्मी को कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। जल्दी किसी को कुछ बताते नहीं कि इनके अंदर चल क्या रहा है। तो जैसे ही उनको पता चला तुरंत से माने पैसे के इंतजाम किए और सब कुछ सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ जी आपके इन सवालों का जो है जवाब मिल गया होगा। बस इसलिए इन्होंने नहीं बताया कि माँ बाप हमें इतना अच्छे से पढ़ाए, इतना कॉलेज हमारा अच्छा हुआ, इतना स्कूलिंग हमारी अच्छी हुई, उसके बाद हम माँ को ये बोल रहे हैं कि हमें ये चीजें दिक्कत है, हमारा कमाने का उम्र हो चुका है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी। बिल्कुल जी, तो इस वजह से इन्होंने नहीं बोला क्योंकि माँ बाप को दुख ना हो हमारे माँ बाप को इस बात का। तो उम्मीद करते हैं यह जो पॉइंट है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है स्ट्रगल का। कह रहे थे कि आपके जो स्टोरी हमने सुना ना, आपका जो वीडियो हमने देखा, उसमें हमें कुछ स्ट्रगल जैसा कुछ नजर ही नहीं आया। तो देखिए जी बात ये है, तो वह वीडियो जब डाला गया आपके पास, यह आपका नजरिया था देखने का कि आप उसमें क्या देखना चाहते थे। आप उसमें हेट चाहते थे, जो कि कुछ लोग अपना हेट ढूंढ लिए वहां पर और हेट फैलाए वहां पर। आप वहां पर इंस्पिरेशन चाहते थे, आप वहां पर स्ट्रगल चाहते थे, क्या चाहते थे, यह तो आपका नजरिया था जी। और मेन बात है कि स्ट्रगल का, स्ट्रगल सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है, अलग अलग लेवल पर स्ट्रगल होता है। हमारी जिंदगी में जो भी स्ट्रगल था हमने उस स्ट्रगल को आपके सामने रखा। हम चाहते तो बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा करके बोल देते व्यूज लेने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, जो कि मैं देखता हूँ कई सारे क्रिएटर सब करते भी हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने सोचा कि जो हमारे साथ हुआ है हम वही आपको बताएंगे। और उन्होंने हमें इन्वाइट किया, जो स्टॉक वाले ने, बहुत बहुत आभारी है उनका। और उन्होंने इन्वाइट किया हमें अपनी जो हमारा स्ट्रगल है वो बताने के लिए। तो हम बिल्कुल उसमें जरा से भी बेमानी नहीं किए, जो हमारे साथ स्ट्रगल था भले छोटा सा ही स्ट्रगल था या आप लोग कहिए कि नहीं के बराबर स्ट्रगल था, लेकिन हमारे लिए तो वही चीज था, तो वही चीज हमने आपको बताया। और दूसरी चीज, हम बिल्कुल वहाँ जाना नहीं चाहते थे, हम बोल रहे थे कि हमको नहीं जाना है क्योंकि मैंने कभी अकेले बोला ही नहीं। कह सकते हैं कि अभी जो हम कैमरा के सामने बोलते हैं वो भी इनके साथ बोलते हैं, कई बार हमारी इस बात को लेकर के लड़ाई भी होती है। मैं जिया को कहता रहता हूँ कि तुम कैमरा के सामने आओ, अकेले बोला करो, फेस करो, हमें बहुत डर लगता है, हम जल्दी बोलते नहीं। तो जिया बिल्कुल नहीं वहाँ जाना चाह रही थी, लेकिन हमने जो है जिया को मोटिवेट किया, बोला कि नहीं तुम जाओ वहाँ पर, तो जिया बोलना पड़ेगा। बिल्कुल, जिया बोली कि देखिए हमारा ऐसा स्ट्रगल का स्टोरी भी नहीं है। तो हमने कहा देखो जो हमारी स्टोरी है वही बताओ, बाकी लोग डिसाइड करेंगे कि उनको क्या अच्छा लग रहा है क्या खराब लग रहा है। तो इनके बहुत कहने पे मैं गई और मैंने बोला जो हमारे साथ हुआ था बस वही बोला, वहाँ सब कुछ बोला, उसमें जरा से भी बेमानी नहीं रखी। तो स्ट्रगल वाला बात तो चलिए जी हमने क्लियर कर दिया। तो अब जो है माँ भी आ गई है और आप में से कई लोगों का कमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि आपकी सासू माँ जब आपका यह वीडियो देखेगी तो उनको कैसा लगेगा। तो चलिए ऐसा किया हमने कि जिया की सासू माँ और हमारी माँ को जो साथ में ही बैठा दिया, ये उस बात को लेकर के कह रहे हैं कि आप लोग साबुन शैम्पू वाला बात क्यों बोले, आपकी माँ देखेगी तो आपको उनको जो है कितना बुरा लगा होगा। तो बताओ दीदी कैसा लगा और क्या लगा। देखिए मैं किसी का शिकायत करना नहीं चाहती, जो भी किए हैं वो अपने सोच से अपना अनुसार अच्छे ही किए होंगे। जो एक बहू होकर के इतना पढ़ी लिखी सासू है तो उस पर आरोप लगा रही है, लेकिन मैंने अपने नजर से अपने घर में देखा और मुझे गर्व है अपने दोनों बेटे पर, और दोनों बहू कितनी खुददार है कि कष्ट रहने के बावजूद भी मुझसे नहीं मांगती है, लेकिन मांगेगी तो ऐसा देने। और हम आप लोगों से भी यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं किए लोग इतना आगे कैसे बढ़ा। बिल्कुल जी, आप लोग की सपोर्ट की बदौलत हम यहाँ पर हैं। और हमको लगता है
कि आप लोग हर बात को अपने नजरिए से सुधार देंगे इसके बोलने के बाद, और हमेशा आप लोग इसी तरह इसको सपोर्ट करते रहेंगे। बड़े हैं तो आशीर्वाद देंगे, छोटे हैं तो सहयोग देंगे, और एक माँ होकर के आप लोगों से शुभकामना करती है कि आप लोग सभी के बच्चे के लिए ऐसा ही सोचिए जैसा मेरे बेटे के लिए सोचते हैं। तो माँ आप जा रही है जी, क्रियांश को दूध पिलाना है, दूध लेने आई हुई थी। तो माँ ने देखा कि हम लोग इसके ऊपर में बात कर रहे हैं, तो माँ कहे कि हमें भी अपनी तरफ से विचार रखना है। कुछ कुछ कमेंट जो है माँ को पता चला, फोन सब आया था, माँ ने जो है अपना विचार यहाँ पर रखा। अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं जी। अगला टॉपिक है कि हमें इंस्पिरेशन नहीं मिला, हमें कुछ भी ऐसा मोटिवेशन जैसा आपके वीडियो में नहीं लगा। तो जी एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, यह नजरिया पर है जी, आप उसमें से क्या लेना चाहते थे। अगर आप उसमें मोटिवेशन ढूंढ रहे होते कि सोशल मीडिया की जर्नी जब स्टार्ट की उस समय क्या क्या झेलना पड़ा, और उसके बाद जो है लाइफ में क्या क्या ट्विस्ट आया कि हमारा सोशल मीडिया का चैनल सारा डिलीट हो गया, जो हमारा एग्जिस्टेंस था। एक तो टिकटॉक पर हमें कुछ प्रसिद्धि मिली थी और वह रातों रात गायब हो गया था। फिर उसके बाद हमने यूट्यूब पर स्टार्ट किया सब कुछ, फिर वहां पर सब्सक्राइबर बने और मालूम चला कि वह यूट्यूब और साथ में इंस्टाग्राम भी स्टार्ट किया था। वह यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों हमारा चैनल डिलीट हो गया। तो जो भी हमारा बचा कुछ एग्जिस्टेंस था सोशल मीडिया पर, सब कुछ खत्म हो गया था। और उसके बाद हमने जो है फिर से अपना जर्नी स्टार्ट किया, और जी आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से जो है वहां भी हमारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए। तो जी इसमें आपको अगर कुछ मोटिवेशन जैसा नहीं लग रहा तो जी चलिए इसमें कोई बात नहीं, हो सकता है कि मोटिवेशन वाला चीज नहीं हो, क्योंकि हमारे लिए यह मोटिवेशन वाला चीज था। क्योंकि हमें ध्यान था कि जब हमारा चैनल डिलीट हो गया था हम क्या फेस कर रहे थे, कि एक जो हमें पहचान मिली थी वह रातों रात सब कुछ खत्म हो गया, और रातों रात सब कुछ खत्म हो गया। तो हमारे लिए वह एक था जी संघर्ष वाला दौर, और जब हमें फिर से वह पहचान मिल गई हमारे लिए वह मोटिवेशन वाला चीज है। क्योंकि आज भी जब भी कुछ हमारे साथ खराब हो रहा होता है तो हम उस समय को याद करते हैं कि जिस समय हमारा सब कुछ खत्म हो चुका था एक तरह से, और वहां से हम लोगों ने फिर सब कुछ अपना खड़ा किया। तो हम तो उससे जी इंस्पिरेशन लेते हैं। ये हो सकता है आपके लिए वह इंस्पायरिंग चीज नहीं हो, और हम यह कहना भी नहीं चाहेंगे कि यह इंस्पायरिंग चीज है। वह आप लोग डिसाइड करिए कि आप लोग के लिए है कि नहीं है। तो उम्मीद करते हैं जी यह भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इंस्पिरेशन के अलावा कहते हैं कि हेट, इनको हेट लेना था, वो लोग जम के हेट लिए हैं वहां से। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहूंगा, आपने बोला ना स्ट्रगल, अभी देखिए हम लोग जो स्टॉक पर से होके आए, बहुत लोगों ने प्यार भी दिया और बहुत लोग इतना कमेंट कर रहे हैं। अगर समझदार हमारा फैमिली नहीं होता, हमारी सासू माँ इतनी अच्छी नहीं होती, तो अभी हमारे साथ जो होता ना, बिल्कुल क्या कहते हैं क्या होता है। और तो और हमारे का लाख लाख शुक्र है कि हमारी फैमिली बहुत अच्छी, आपके फालतू कमेंट करने से हमारा घर नहीं बिखरेगा। वो समझ रही है कि क्या बोली और किस मतलब से बोली। बिल्कुल जी, तो जो लोग यहाँ कमेंट कर रहे थे कि आपकी सासू माँ को, आपके ससुर जी, आपके घर वालों को मतलब बुरा लगे, आप जो इस तरह का बात बोल रहे हैं, पहली बार लगता है कि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होता तो शायद आपका ऐसा सवाल आता ही नहीं, क्योंकि उसमें यह भी चर्चा है कि जो साबुन शैम्पू तेल के लाले की चर्चा है, हमारी जो आर्थिक स्थिति थी उसका जो चर्चा है, उसके अलावा यह भी चर्चा था कि हमारी सासू माँ ने बहुत सपोर्ट किया जी, उसमें यह भी बात बोल रही थी। दूसरे से मैंने ये भी पूरा क्लियर किया था, लगता है मैं, पता है क्या हुआ था कि मैं वहाँ जो गई थी ना, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था, है ना, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कुछ बोल रही थी, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकला। आपने वीडियो देखा, मतलब सांसें फूल रही थी, हम बोल नहीं पा रहे थे अच्छे। हमें लगता है इसके आगे वाला जो पॉइंट था उसको लगता है मैं ज्यादा लड़खड़ा गई थी, इसलिए उसने कट कर दिया। बिल्कुल हाँ, उसमें जिया ने जो है, जिया ने क्लियर भी किया था उसमें कि अगर मैं अपने सास ससुर को बोल दी होती तो मिनट नहीं लगता उन्हें मदद करने में। तो लेकिन जिया लड़खड़ा गए थे उसमें बोले, तो इसलिए लगता है कट लग गया, क्योंकि हमने लगभग 18 से 20 मिनट तक बोला था वहाँ पर जिया ने। हाँ, और वीडियो बना है 9 मिनट का, तो जाहिर सी बात है बहुत सी पार्ट को वहाँ पर कट किया गया है। तो उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर कि आपने जो भी बोला स्क्रिप्टेड है, अब क्या बोला जाए इसके ऊपर। जिया पहली बार गई थी किसी भी मंच पर, जिया ने आज तक स्कूल में भी अपने से नहीं बोला होगा, बहुत डर लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल, जो है वजह से मैंने आगे भी बताया था कि इन वजह से इनसे मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ती है कि तुम अपने से क्यों नहीं बोलती हो, अपने से फेस क्यों नहीं करती हो कैमरे को। तो सच में क्योंकि वह चैनल जो था जोश टॉक आशा था, तो शायद वहाँ पर जो है लेडी को ही बुलाया जा रहा था कि वह अपनी स्टोरी बताएंगी, अपना जो भी स्ट्रगल का, सक्सेस का जो भी स्टोरी है, तो इसलिए शायद जिया को भी इनवाइट किया गया था, वरना जिया उम्मीद कर रही थी कि आप भी साथ में चलेंगे तो दोनों मिल करके बोलेंगे। हाँ, जब मुझे पता चला कि सिर्फ मुझे बोलना पड़ेगा तो हमने साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, अकेले नहीं बोलूंगी, जिस वजह से इनसे मुझे बहुत ज्यादा डांट भी पड़ी थी। अब समझती हूँ कि ये मेरे लिए ही डांटे थे क्योंकि मैं बोल पाऊँ, कल चल के कहीं मुझे अकेले बोलना पड़ा तो मैं अच्छे से बोल। बिल्कुल जी, तो जिया गई और जिया वहाँ पर हिम्मत की बोलने की, फर्स्ट टाइम था उसका, तो जी मेरे ख्याल से सराहनीय कदम था जिया के द्वारा कि जिया हिम्मत की वहाँ जा करके बोल पाई। भले जिया को जितना अपना सारा पॉइंट बोलना था बहुत सारा पॉइंट रह गया, तो चलिए कोई बात नहीं। और बाकी स्क्रिप्टेड के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर जिया फर्स्ट टाइम गई,
वहां पर 5 कैमरा लगा हुआ था, एक था वाइड एंगल था, एक था क्लोज और भी कुछ कुछ तरह का था, बहुत सारी लाइट थी वहां पर। तो जिया तो वही देख करके नर्वस हो गई थी, तो आवाज ही नहीं, हाँ ये बोल रहे बोलो बोलो बोलो। तो हमने क्या किया था कि बहुत सारे पॉइंट को इकट्ठा कर लिया था हमने और जिया ने मिल करके, कि ये सारा पॉइंट जो है वहां पर जाकर के मेंशन करेंगे ताकि वहां कुछ भूल ना जाए, कुछ छूट ना जाए। लेकिन वहां पर क्या बात था कि उन्हें और भी बहुत सारा काम था, वह चाहते थे कि एक लिमिटेड टाइम में शूट हो जाए और फिर उसके बाद जो है सब कुछ रैप अप जल्दी से करें। 40 मिनट से ज्यादा नहीं मिला मिला वहां पर ये चीज। जिया को जो है वहां पर स्क्रिप्ट देखने को मिला भी नहीं, स्क्रिप्ट क्या हुआ, बुलेट पॉइंट था। स्क्रिप्ट तो वह होता है कि आपको पूरा लिखा रहता है कि एक एक शब्द क्या क्या बोलना है, वहां बस पॉइंटर्स था उसमें लिखा हुआ कि ये पॉइंट बोलना है। तो जिया को तो वो पॉइंट भी देखने का मौका नहीं मिला और आप कह रहे हैं स्क्रिप्टेड है, क्या कहे जी। बाकी आपको जो समझना है समझिए, हमें जो अपने अपना साइड रखना था वो हमने अपना साइड रख दिया। और जिसे ढूंढना होगा इस वीडियो में भी कुछ ना कुछ कमी ढूंढ लेंगे। बिल्कुल, अभी जो वीडियो बना रहे इसमें भी किसी न किसी को कुछ ना कुछ कमी मिल ही जाएगा। तो फिर कोई बात नहीं जी, आप अपना कमी निकालिए और हम जो है अपना वीडियो डालते रहेंगे और हम जो है लोगों के सामने आते रहेंगे अपनी जिंदगी की जो भी चीज है। एक ब्लॉग हम कर रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो हम अपनी यादें संजो रहे हैं और कह सकते हैं कि उनमें से ये जो कुछ चंद लोग होते हैं, हाँ। और इतने सारे लोग हैं, क्या कह सकते हैं, मुझे जो पर्सनली मैसेज आया है इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल इतने लंबे चौड़े, हाँ। वो भी इतना अच्छा अच्छा, मतलब समझ सकते हैं लोगों को एक मिनट नहीं मिलता लोगों को टाइम देने के लिए। बिल्कुल जी। लोग इतना मैसेज लिख के तो किसी के लिए भेजना, कितना प्यार रहता है उसमें। हम तो अपना काम करते रहेंगे और जो भी लोग हमारे साथ हैं जी, शुक्रिया आप सभी का तहे दिल से। आप लोग अगर साथ नहीं देते तो हम निहार नहीं रहते और इस तरह के कमेंट और इन सब को देख कर हम छोड़ देते। लेकिन आप लोग थे जो हमारा हौसला बढ़ा रहे थे, आप लोग थे हमें सपोर्ट कर रहे थे टिकटॉक से लेकर के आज तक। अब हमारे साथ खड़े रहे, जो फालतू कमेंट कर रहे थे उसके नीचे भी इतने प्यारे प्यारे लोग कमेंट कर रहे हैं, इतना अच्छा। बता रहा हूँ 70% में मैं पॉजिटिव कमेंट देख रहा हूँ, 30% नेगेटिव देख रहा हूँ। और निगेटिविटी को लेकर के मैं क्या देखता हूँ जी, निगेटिविटी के प्रति अट्रैक्शन थोड़ा जल्दी होता है। हुआ क्या है, किसी एक ने निगेटिव करा, एक पॉइंट साबुन तेल शैम्पू उठा लिया, बस शुरू हो गए। और मैंने देखा कि यार जो पॉजिटिव कमेंट था ज्यादा था, लेकिन जो पॉजिटिव कमेंट कर रहे होते हैं वो क्या होता है कि अपना कमेंट करके, भाई आपका वीडियो अच्छा लगा, इंस्पायरिंग लगा, वो अपना कमेंट करके चले जाते हैं। लेकिन जो निगेटिव कमेंट करते हैं वो अपना तो निगेटिव करते हैं और भी ढूंढते हैं कि मेरे जैसा कौन को निगेटिव कर रहा है, तो सारी निगेटिव कमेंट को हम लाइक करेंगे। इसलिए आपको दिखेगा पॉजिटिव कमेंट पर जो है कम लाइक रहेगा और निगेटिव कमेंट पर जो है ज्यादा लाइक रहेगा। और मैं बाकी एक दो लोगों के बारे में बात करना चाहूंगा। उनका हमने कमेंट देखा और कमेंट देखा तो चलो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अपना व्यू दिया इन्होंने। फिर हमने देखा कि जो बाकी लोग नेगेटिव कमेंट किए हुए हैं उसमें जा करके उनको जो है वह कर, हाँ आपने सही बोला सही बोला, मैंने इन लोगों के ऊपर जो है रोस्टिंग वीडियो बनाया हुआ है वो जा करके देखी है। मतलब वो नेगेटिविटी के जरिए अपने चैनल को प्रमोट कर रही थी। मैं आपका नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप चाहती है कि मैं आपका नाम लूं ताकि आपके चैनल पर लोग आए, आपको व्यू मिले, आपको सब्सक्राइबर मिले। आपके चैनल पर अभी 40 से 42 सब्सक्राइबर है, जो आप चाहते हैं कि इस तरह का हरकत करे तो आपके जो सब्सक्राइबर काउंट है शायद हजारों में बढ़ जाएंगे अगर हम आपका डायरेक्ट नाम लेंगे, डायरेक्ट चैनल का नाम लेंगे तो हम नहीं लेंगे। लेकिन आपसे जरूर इतना कहना चाहेंगे, आपके एक भाई होने के नाते आप हमें अपना जो समझिए, एक अपना दोस्त समझ लीजिए या कुछ भी, कि नेगेटिविटी ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। आप अपना मेहनत करिए, अपनी मेहनत से कुछ अपना कंटेंट लाइए और उस पर वीडियो बनाइए, को भले देर से सफलता मिलेगी लेकिन वह सफलता जो है बहुत दिनों तक टिकी रहेगी। लेकिन दूसरों की बुराई करके जो आप व्यू ले रही है कब तक चलेगा? उनका मैंने देखा, उनका चैनल खोल करके मैंने देखा, जितने भी यूट्यूबर है उनके ऊपर वह नेगेटिव वीडियो बनाती है और नेगेटिव वीडियो बना लिया तो उसने घर क्यों ले लिया, उसने घर क्यों ले लिया। और उसके बाद एक थी कामिनी सिंह जी, वह गई हुई थी जो स्टॉक पर, उसके बारे में भी फालतू बोल रही थी कि आखिर उनको क्यों बुलाया गया। तो वो सोचिए उन्होंने क्यों बुलाया, कुछ तो होगी उनमें बात, तब तो उनको बुलाया, आपको क्यों नहीं बुलाया। आपको जो करना है करिए, बाकी आपसे यही कहना चाहेंगे नेगेटिविटी को छोड़िए, पॉजिटिविटी की तरफ आइए। आपको थोड़ा पॉजिटिविटी वाला बुद्धि दे ताकि आप पॉजिटिव काम करें। तो माँ आ गई है फिर से क्रियांश को लेकर के, ठीक है। तो आप ऐसा करते हैं, हम एक बात कहना चाहेंगे आप लोगों से, ना अगर अच्छे कर्म की विजय नहीं होती तो कौरव के पक्ष में संपूर्ण कौरव सेना और वंश लड़ाई किया और पांडव के पक्ष में सिर्फ श्री कृष्ण, तो विजय हमेशा धर्म की होती है। इसलिए हम सभी से यही आग्रह करते हैं कि ईश्वर में आस्था रखिए और अच्छा कर्म कीजिए, निश्चित रूप से भगवान देर सवेर आपका भला करेंगे। और जी हमने एक का कमेंट देखा था, वो कह रही थी कि मैं आपको सपोर्ट करती थी शुरू से लेकिन अब जो है मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगी क्योंकि आप झूठ बोल रही है। तो जी अगर आप हमें इतना सपोर्ट करती थी,
हमारा जो अंदाजा है कि मतलब आप हमारे चैनल के वीडियो को शायद शुरू से देख रही होंगी। ये भी उन्होंने बोला कि शुरू से हम आपके वीडियो को देख रहे हैं। तो हमने जो है अपने चैनल पर पहले भी वीडियो डाला है, या साबुन तेल शैम्पू का जो चर्चा किया हमने पहले भी डाला है। तो पहले ऐसा करिए, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद बातचीत करते हैं। एक बार क्या हुआ कि ये दिल्ली से आए थे, दिल्ली कुछ काम से गए थे, फिर वो वापस आए, तो हम जा रहे थे नहाने के लिए, उन्होंने देखा कि मेरा फेस वॉश खत्म हो गया, हम उसमें पानी डाल के ऐसे ऐसे जी हाँ, यहाँ फेस वॉश में पानी भर के रखी थी ताकि हमको पता नहीं चल पाए कि इसका फेस वॉश खत्म हो चुका है, क्योंकि इसको मालूम था कि इनके पास अभी पैसे होंगे नहीं, पैसे की दिक्कत है, तो इसलिए इसने बताया नहीं। और हमें ये पता भी नहीं था कि मतलब ये देख, जब हम स्नान करके आए, खाना पीना खा के, फिर ये देख रहे बहुत ज्यादा इमोशनल, हम पूछे क्या हो गया, ये तो और ज्यादा रो रहे हैं, तो हमको कुछ नहीं बताया, बस ये बोला कि मेरा जॉब नहीं लग रहा है। उम्मीद करते हैं जी आपने जो है उस वीडियो को देख लिया होगा। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि साफ हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, आखिर क्या स्थिति थी। तो यहाँ सब कुछ देखने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो ये किस तरह का सपोर्ट है जी, आप ही जानते हैं ये किस तरह का सपोर्ट है। तो अब ऐसा करते हैं जी, बहुत बात कर ली हमने इसके ऊपर, और बाकी एक बार फिर से कहना चाहेंगे जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। और दोस्तों पर हमारा वीडियो आ गया, जिन्होंने भी उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जो है उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। और बाकी जो हमने चर्चा किया था साबुन तेल शैम्पू का, तो उस वीडियो का भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगा कि किस टाइम से आप उस वीडियो को देखना, जहां पर आपको जो है यह पॉइंट मिल जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।